खबरों की नई पहचान। कोयले से लदे बोगी में लगी आग। बीसीसीएल के अधिकारी अपने आउटसोर्सिंग से सिर्फ कोयला खनन कर रहे हैं, लेकिन कोयला खनन के दौरान कोयला किस स्थिति में है, ट्रक में उसे कैसे लोड कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर उसकी ट्रांसपोर्टिंग किस तरह कर रहे हैं, ये नहीं देख, क्योंकि सभी अपनी अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। लगभग आउटसोर्सिंग का कोयला आग की चपेट में, ट्रांसपोर्टर आग की लपटों में घिरे कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते, चाहे कोयला किसी भी स्थिति में हो। आप देख सकते हैं ये नजारा, जहां कोयला किया गया है और फिर उसी कोयले को रेलवे यार्ड में पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद फिर उसे मालगाड़ी में डाल दिया जाता है। क्या इससे कोई बड़ी घटना नहीं घट सकती है? अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये मैं नहीं, आज की यह घटना कह रही है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन अंतर्गत पाथरडी बाजार हॉल्ट पर गुरुवार की रात गोलकडी 9 नंबर साइडिंग से कोयला लोड कर मीजिया जा रही रैक के एक डब्बा में आग लग गई, जिसे पाथरडी साइडिंग से पाथरडी बाजार स्टेशन पर ही बोगी से अलग कर दिया गया, जिसके बाद आज कोयले से लदी बोगी धू धू कर दिन भर जलता रहा। किसी ने इसकी सूचना रेल जीएम धनबाद को दी। रेल जीएम सूचना मिलते ही हरकत में आ गए और अग्निशामक सेवा विभाग झरिया को मामले की जानकारी मिलते ही अग्निशामक दस्ता पाथरडी मोहन बाजार स्टेशन पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। अग्निशामक दस्ता आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है। जिम्मेवारी बनी कि हमने उसको यहां तक पहुंचाया और लाया, जहां आग बुझाने का पूरा पूरा साधन है, उस साधन से हम उसको आग बुझवा रहे हैं। अब आग बुझवाने का मतलब कि हम उस वैगन के साथ में शरीक नहीं होंगे, हम दूर ही से देख सकते हैं। के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।